फिर क्या, दूसरे दिन शाम को रमेश फिर से चौकीदार के झोपड़े के पास आ गया। उसे देखते ही चौकीदार बोला, मैं चाय बना रहा हूँ, ट्रेन के इंतजार करते हुए चाय पीने में बड़ा मज़ा आता है। दोनों ने चाय पी और चौकीदार सुरंग का निरीक्षण करने चला गया कि कहीं कोई सुरंग के अंदर पटरी के आसपास तो नहीं है। अंधेरे में जंगल से कई अलग अलग तरह की आवाजें आने लगीं। हवा के साथ लोमड़ी, चमगादड़ और झिंगुर की आवाजें। तभी एक आवाज कानों में सुनाई दी, किसी के मुलायम पैर जमीन पर पड़ने की, कुछ सूखी हुई पत्तियों की सरसराहट की, फिर लयबद्ध घर घर की आवाज आने लगी। रमेश ने पूछा, ये कौन सी आवाज है? चौकीदार ने धीरे से बोला, ये बाघ की आवाज है। रमेश भी सुरंग की तरफ भागा जिधर से आवाज आ रही थी। जब लैंप की रोशनी बाघ पर पड़ी तो वो गुस्से से गुर्राया। चौकीदार और रमेश दोनों जोर से चिल्लाए। दोनों की आवाज़ सुरंग में गूंजने लगी। बाघ तेजी से पलटकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। रमेश के कान में अभी भी बाघ की आवाज़ गूंज रही थी। That serve no purpose. The human mind is the highest descendant of living self-operational mechanism, and we don't evolve any further physically, but our minds, they do. And I helped you see that. They'll ask you, what is thinking so much down to you anyways? You either end up having a migraine or you keep sleeping to avoid consciousness. Your performance is getting poorer every day because you think so much and do so less. Why aren't you working? Why is a weakened mind? What's wrong with you? Well, who said anything's wrong with you? And they? Who are they? Apostles of perfection or just some overly selfish people unaware and insensitive to all that happens around? How can you be peaceful knowing that the world is an unsolved paradox?